नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दो सट्टाबाजों को सरसिवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिलाईगढ़ सट्टा खिलाने वाले सटोरियों के खिलाफ थाना सरसिवा पुलिस ने की कार्यवाही। सट्टा खिलाने वाले अलग अलग मामले में दो सटोरियों को किया गया गिरफ्तार। सटोरियों के कब्जे से सट्टा पट्टी अनेक अंक लिखा हुआ था, एक डार्ट पेन और नकदी रकम 700 किया गया जब्त। पुलिस अधीक्षक आई के एलिसेला बलौदा बाजार द्वारा अवैध शराब बिक्री जुआ सट्टा खिलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु कड़े निर्देश दिए गए थे। पीताम्बर पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदा बाजार, संजय तिवारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बिलाईगढ़ के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरसीमा राजेश साहू के कुशल नेतृत्व में सट्टा खिलाने वाले अलग अलग मामले में दो सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी राजेश साहू का कहना है कि जितने भी अवैध काम चल रहे सभी को बंद कराना मेरा संकल्प है। अपने क्षेत्र को क्राइम फ्री रखना है, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी, सभी पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्र में हो रहे अवैध कार्य को रोककर क्षेत्र में शांति का माहौल लाना है तथा क्राइम फ्री करना है। पेट्रोलिंग के दौरान सरसिवा पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि ग्राम पंडरीपाली में राजेश खुंटी नामक व्यक्ति ग्राम पंडरीपाली तालाब के पास लोगों को रुपए पैसे का दावा लगवा कर सट्टा पट्टी नामक जुआ खेला जा रहा है। सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहन के रोड कार्यवाही की जाए, जहां एक व्यक्ति को सट्टा पट्टी लिखते पकड़े, जिसका नाम पूछने पर अपना नाम राजेश खुंटे, पिता बेदराम खुंटे, उम्र 41 वर्ष, साकिन पंडरीपाली, थाना सरसिवा, जिला बलौदा बाजार भाटापार का रहने वाला बताया। इसके कब्जे से एक नगद सट्टा पट्टी अनेक अंक लिखा हुआ, एक डॉट पेन, नकदी जब्ती रकम 400 रुपए को समक्ष गवाहों के जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 4 का जुआ एक्ट का घटित करना पाए जाने के आरोपी को मौके पर दिनांक 31 अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने से जमानत मुशलका पर रिहा किया गया है। अशोक मनहर की रिपोर्ट। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।